अगर आप अपने चरम शिखर को छूना चाहते हैं तो आपको हर चीज से आशीर्वाद मिलना चाहिए इस तरह जीने का एक तरीका मौजूद है खुद को वाकई शानदार इंसान बनाने के लिए आपको यह देखना चाहिए कि इन साधनों का कैसे उपयोग करें so, uh... तो ये सात महीने कई तरह से जाने पहचाने ढांचे तोड़ने और खुशी खुशी नई चीजों में कदम रखने के लिए बनाए गए थे वैसे आप में से कुछ इच्छुक थे कुछ को थोड़ा धक्का देना पड़ा और कुछ को ज्यादा धक्का पर सभी ने अच्छी साधना की तो ये बहुत अच्छा है कि आप यहां आए हैं कई लोग कह रहे हैं कि साधना पद के लोग वाकई शानदार हैं ये अच्छा है क्योंकि इस मार्ग पर यह बहुत जरूरी है एंड एवरीबॉडी शुड ब्लेस यू कि हर चीज और हर व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे जब आप जमीन पर चलें। तो धरती आपको आशीर्वाद दे ये प्राणी विकसित हो क्योंकि आपको हर चीज की जरूरत होगी अगर आप अपने अंतिम शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज की जरूरत होगी जो आपको मिल सकती है तो ये बहुत जरूरी है कि हर कोई और हर चीज आपको आशीर्वाद दे अगर आप जाकर एक पेड़ के नीचे बैठे तो पेड़ आपको आशीर्वाद दे ऐसे जीने का एक तरीका मौजूद है यही साधना है साधना इसी के बारे में है इतना ज्यादा तालमेल में होना चाहे वो एक जानवर हो या पक्षी या पेड़ या घास का तिनका हो वो सभी खुद ही आपसे निकटता महसूस करें आपकी तरफ से नहीं और वो आपके लिए जो बेहतरीन हो सके वो करें कुछ लोग कहेंगे यह बकवास है ऐसा कोई विज्ञान नहीं है वो सोचते हैं कि विज्ञान प्रयोगशाला में होता है विज्ञान सृष्टि में हो रहा है आपने बस कुछ चीजें देखी हैं किसी ने सब कुछ नहीं देखा आपने कुछ ही चीजों पर ध्यान दिया है और आप उसे विज्ञान कहते हैं लेकिन यह हो रहा है जीवन घटित हो रहा है प्रयोगशाला में नहीं दुनिया में ब्रह्मांड में तो एक मददगार माहौल बनाना ही इस संस्कृति का मुख्य उद्देश्य था हमेशा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब होता था कि उसे संस्कृति में तुरंत मदद मिलती थी जैसे आपने ध्यानलिंग मंदिर में कुछ पैनल देखें आपने तमिलनाडु के संतों और सिद्ध लोगों के पैनल देखें उनमें से एक यही दिखाता है अगर किसी में आध्यात्मिक होने का कोई लक्षण है तो भले ही वो आपको मारना चाहे आप खुद को नहीं बचाएंगे उस हद तक यहाँ तक कि अगर लोगों के पास अपने या अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं होता था और वो किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर देखते थे तो पहले उसे भोजन देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपने जीवन का हमसे बेहतर इस्तेमाल कर रहा है हमें अपनी संस्कृति में ऐसा माहौल बनाना होगा ऐसा नहीं है कि आज हम जाकर भोजन के लिए लोगों पर निर्भर रहने लगे हम दूसरे तरीकों से चीजें कर सकते हैं मैं इकोनॉमिक फोरम में था तो हर कोई मीटिंग्स में व्यस्त था हम एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जा रहे थे पांच दिन का पागलपन जैसा था पर हर जगह कुछ कॉफी काउंटर थे और नाश्ते के काउंटर थे वो वहां रखे हुए थे लोग कभी भी जाकर खा सकते थे क्योंकि लंच डिनर किसी चीज के लिए समय नहीं था हम दिन भर लगे हुए थे मैंने देखा मैं मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूं किसी भी इंसान पर नस्ली टिप्पणी लेकिन मैं बस गौर कर रहा था ज्यादातर लोग बस ऐसे आते थे सभी सूट बूट वाले लोग वो ऐसे आकर जो चाहते थे उठाते थे अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वो बस उसे वहीं छोड़ देते कूड़ेदान में डालकर चले जाते भारतीय लोग थोड़ा पीछे खड़े होते और धीरे धीरे आगे जाते जापानी लोग सभी ऊंचे एग्जीक्यूटिव और वैसे लोग वो ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें आसपास घूमना नहीं आता वो आते काउंटर पांच फीट की दूरी पर था जब वो वहां आते वो इस तरह उठाते थे नीचे झुककर, मैंने कई बार ये गौर किया मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है कि वो किसी से ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं नाश्ता बस रखा हुआ है पर उसे उठाते समय उसके प्रति एक कृतज्ञता और भक्ति भाव मौजूद है वो आखिरी कुछ कदम झुककर चलते हैं एक एक पूरी तरह से कॉरपोरेट माहौल में हर कोई सूट बूट में है ठीक है वो बस उनमें से हर कोई वो इसे सचेतन होकर भी नहीं कर रहे वो बस कर रहे हैं मैंने ये बार बार देखा वहां बैठकर जब भी कोई जापानी व्यक्ति कुछ लेने आता वो झुककर आगे जाते और उठाते मैंने सोचा कि हमें यही चाहिए कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं जो पानी हम पीते हैं जो खाना हम खाते हैं और धरती का हर दूसरा इंसान और हर दूसरा जीव जो हर पल किसी तरह से हमारे जीवन में मदद कर रहा है उनके प्रति हमारे अंदर आभार की भावना आनी चाहिए हेलो आप जिंदा नहीं रह सकते थे आप अपनी मूर्खतापूर्ण बुद्धिमत्ता के कारण जिंदा नहीं हैं आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये सारी चीजें हर समय आपके लिए काम कर रही हैं तो साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप कुछ नहीं जैसे हो जाएं। अगर आप कुछ नहीं नहीं बन सकते तो कम से कम ब्रह्मांड में बाकी सभी लोगों से छोटे बन जाएं। हेलो ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आपका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है तो आपकी उपस्थिति बहुत बड़ी हो जाती है और दुनिया में हमें इसी की जरूरत है हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी मौजूदगी बड़ी हो ऐसे लोग नहीं जिनकी शख्सियत बड़ी हो और कोई भी उन्हें सहन नहीं कर पाए तानाशाह बहुत ज्यादा तानाशाह हैं अगर मैं तानाशाह कहता हूं तो आप बेनिटो मुसोलिनी या एडोल्फ हिटलर के बारे में सोचते हैं नहीं नहीं तानाशाह हर जगह हैं। वो माता पिता के रूप में हैं वो शिक्षकों के रूप में हैं वो हर जगह मौजूद हैं सौभाग्य से वो उनकी तरह काबिल नहीं है जिनका मैंने नाम लिया सिर्फ उनकी नाकाबिलियत की हम तारीफ कर रहे हैं पर वो तानाशाह हैं है तो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है विकास को इस तरह मत समझिए विकास का मतलब बारीक हवा की तरह हो जाना है ताकि आपकी उपस्थिति प्रबल हो पर आपका व्यक्तित्व कुछ नहीं की तरह हो ताकि आप हर चीज में फिट हो जाएं यह बहुत महत्वपूर्ण है लचीलापन कम से कम शरीर को हमने उसे पिछले कुछ महीनों में थोड़ा लचीला बनाया है क्या उन्होंने आपको झुकाया आपको थोड़ा तोड़ा है कुछ हड्डियां मेरे ख्याल से हमें अभी भी तोड़नी बाकी हैं सिर्फ शरीर नहीं शारीरिक लचीलापन ही नहीं एक जीवन के रूप में आपको लचीला होना होगा अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्थिति में फिट होकर उसे बदलना आना चाहिए अगर आप उसमें फिट नहीं होते हैं तो आप बदल नहीं सकते यही बात है तो अब जबकि सात महीने बीत चुके हैं और घर या जहां भी जाने का समय है मुझे आशा है कि आपके पास आज भी एक घर है नहीं नहीं मैंने बहुत जीवन देखा है सात महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है बहुत सी चीजें बदल सकती हैं कौन जाने तो आप जहां भी जाएं साधना जारी रहनी चाहिए ठीक है साधना ऐसी चीज नहीं है जिसे आप याद करें अरे हमने साधना पद किया था बहुत अच्छा था ये इस बारे में नहीं है साधना जारी रहनी चाहिए आपको आपको यह देखना चाहिए कि खुद को एक वाकई शानदार इंसान बनाने के लिए इन साधनों का उपयोग कैसे करें हुँ? मुझे ऐसा होते हुए देखना है